हेलो फ्रेंड्स, डेटा स्ट्रक्चर के इस लेक्चर में आज हम लोग देखने वाले हैं बाइनरी सर्च। बाइनरी सर्च, वैसे तो मैं इसका प्रोग्राम बताने वाला हूं जिसमें मैं बाइनरी सर्च यूजिंग फंक्शन ये भी प्रोग्राम बताऊंगा, बाइनरी सर्च विदाउट यूजिंग फंक्शन दोनों बताने वाला हूं। तो आइए बात करते हैं। पहले तो समझते हैं बाइनरी सर्च क्या है। अगर आपको प्रोग्राम बनाना है पहले तो पता होना चाहिए बाइनरी सर्च क्या है। जैसे मैं आप लोगों को एक सिचुएशन देता हूँ। मान लेते हैं आप डिक्शनरी, आपके पास एक डिक्शनरी है और आपको एक वर्ड सर्च करना है, जैसे मैंगो। मान लेते हैं मैंगो सर्च करना है। आप ऐसा तो नहीं करोगे कि ए से शुरू करोगे और वर्ड ढूंढते ढूंढते वहाँ तक जाओगे। आप नॉर्मली बीच से डिक्शनरी को खोलोगे। जब आपको दिख जाएगा कि मैं ओ पे आ चुका हूँ डायरेक्टली, तो आप पीछे आओगे। अगर आपको लगेगा नहीं मैं अभी एल तक आया हूँ, मतलब एम आगे का वर्ड है तो मुझे आगे जाना है, मतलब डिक्शनरी में पहले तो असेंडिंग ऑर्डर में सब कुछ है। असेंडिंग ऑर्डर में होने की वजह से आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि आपको कौन से साइट्स जाके सर्च करना है। तो बाइनरी सर्च भी वही है, जिसमें क्या होता है, मान लेते हैं कुछ नंबर्स हैं। जैसे मैं आप लोगों को एक एग्जांपल दिखाता हूँ जिसमें आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ क्या है। मान लेते हैं एक एरे है हमारे पास, ये एक एरे है। एरे किसे बोला जाता है, जब भी हम प्रोग्राम में एक लाइन लिखते हैं। जैसे अगर आप प्रोग्राम में लिखते हो इंट ए ऑफ 10, इसका ये मतलब है कि आपने एक ब्लॉक बना लिया है ए नाम का जिसके अंदर 10 ब्लॉक्स हैं। मतलब आपने ये वाला पूरा पोर्शन बना लिया यहाँ से लेके यहाँ तक, ये 10 ब्लॉक, और उसका नाम आपने रखा है ए। मैं यहाँ लिख देता हूँ इसका नाम मैंने रखा है ए। अच्छा, मान लेते हैं मैंने कुछ नंबर्स भी रखे हैं सबके अंदर, 22, 94 ये नंबर्स रखे हुए हैं। अच्छा, अगर आपको सर्च करना है, मान लेते हैं 10 ये सर्च करना है, पहले तो असेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए। तो मैं असेंडिंग ऑर्डर में लिख लेता हूँ। सबसे पहले क्या आना चाहिए स्टार्टिंग में, अगर असेंडिंग ऑर्डर में देखा जाए तो 2। मैं यहाँ लिखता हूँ 2 होना चाहिए। उसके बाद क्या होना चाहिए, 7। मैं यहाँ 7 लिखता हूँ। 7 के बाद क्या आना चाहिए, तो ये काम मैंने कर लिया है, असेंडिंग ऑर्डर में डेटा को रख लिया है। ये हमारा मतलब सबसे पहले एरे को असेंडिंग ऑर्डर में लिख लो। जब असेंडिंग ऑर्डर में ये हो चुका है, अब मान लेते हैं मुझे सर्च करना है 81। यहाँ मैं लिखता हूँ मुझे सर्च करना है 81। तो पहले तो 2 भागों में डिवाइड करना है मुझे इस एरे को, तब जाके आधे पोर्शन से मुझे सर्चिंग शुरू करनी है या फिर आधे इस साइड करनी, लेकिन मुझे 2 भागों में डिवाइड करना है। मान लेते हैं मैं ये जो लेफ़्ट वाला पोर्शन है, ये लेफ़्ट वाला, इसे बोल देता हूँ L। L कितना है, 0 है, देखो लेफ़्ट में 0 है। और राइट वाले को R बोलता हूँ, R कितना है, 9 है। मैं यहाँ 9 भी लिख देता हूँ। अच्छा, मिड पॉइंट कैसे मिलेगा, M इज इक्वल टू L प्लस R। जब आप लेफ़्ट और राइट की एडिशन करेंगे तो 0 प्लस 9 9 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 2 कर दो। जब आप डिवाइडेड बाय 2 करोगे तो आपको 0 प्लस 9 डिवाइडेड बाय 2 मतलब 9 डिवाइडेड बाय 2 क्या मिलेगा, 4.5 समथिंग। तो नॉर्मली इंटीजर टाइप का डेटा है, ये डेसिमल वाले डिजिट को नहीं रख पाता, तो ये सिर्फ 4 को रखेगा। 4 पॉइंट पॉइंट के आगे के जो भी नंबर होंगे उन्हें ये नहीं रीड करता, तो सिर्फ 4 को रखेगा। तो अभी मैं 4 ही लिखता हूँ। ओके, तो m कितना आ गया हमारा, l 0 है, r 9 है और हमारा m जो है वो है 4। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ m इज इक्वल टू 4। देखते हैं m क्या है, 4, ठीक है। अच्छा, इस पूरे ब्लॉक का नाम क्या है, a। तो अगर मैं लिखूँ प्रोग्राम में a ऑफ m, m कितना है, 4, मतलब कितना, a ऑफ m मतलब 12। क्या 12 इक्वल है क्या, जो भी मुझे सर्च करना है 81 सर्च करना, देखो लगे तो इसे भी किसी मेमोरी में रख लेते हैं। मान लेते हैं मैं अगर उसे किसी मेमोरी में रखूँ 81 को, तो मुझे सिंपली यहाँ लिखना पड़ेगा कि प्रोग्राम में कि एक मेमोरी बना दी जाए इंट बी नाम की और उसमें रख दिया जाए 81 जो सर्च कराना है। तो बी के अंदर क्या है, 81 है। तो मैं अब यहाँ पर लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ यहाँ पर, जैसे मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ बी इफ, और यहाँ लिख सकता हूँ यदि इफ, और उसके बाद यहाँ लिख सकता हूँ यदि ए ऑफ एम इक्वल टू बी है, क्या ए ऑफ एम इक्वल टू बी है, चेक कराना है सबसे पहले। तो
क्या 12 और 81 इक्वल है? नहीं है। एक कंडीशन फिर तो और देनी पड़ेगी, एल्स ये कंडीशन नहीं सेटिस्फाई हो रही है। तो अब मैं लिखता हूँ, इफ यदि ए ऑफ एम ग्रेटर देन बी, क्या ए ऑफ वन एम जो है 12 ग्रेटर है क्या बी से? नहीं, ये भी नहीं ट्रू हो रही है। ठीक है, अब आगे जाते हैं। इफ ए ऑफ एम लेस देन बी, क्या लेस है? यस, ए ऑफ एम हमारा 12 है, 12 तो छोटा ही 81 से। तो ऐसे टाइम पे क्या करना है, यहाँ पे आप सिर्फ एक लाइन सिंपली लिख सकते हो कि अब जो है हमारा जो लेफ्ट है वो यहाँ से नहीं शुरू हो रहा, एल कितना है 0 है। अब मैं एल बोल देता हूँ, ये मतलब आधा ब्लॉक ही निकल जाएगा। तो अगर मैं लिख दूँ यहाँ पे एल के अंदर रख दिया जाए जो भी एम हो वो, तो एम कितना है? एम है हमारा 4, ये क्या 4 मिला था ना, 4 को हमने एल में रख दिया। तो नॉर्मली हमारा एल जो था वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ, पहले एल था 0, देखो यहाँ पे एल लिख रहा हूँ, अब क्या हो गया एल ये हो गया। और आर तो हमारा वही वाला है, आर तो यही है, आर तो 9 है, देखिए ना आर कितना है 9 है। तो अब इतना पोर्शन ही हमने हटा दिया, इसकी ज़रूरत नहीं तो इसे रखना क्यों है, इसको हटा दिया। अब हमारा जो पोर्शन बचा है वो ये यहाँ से लेके ये इतना बचा हुआ है, तो मैं इसे थोड़ा आगे ले लेता हूँ, वो गया, उसकी तो ज़रूरत भी नहीं है। अब L हमारा ये है, फिर से लगे तो आप लोग चाहो तो लिख सकते हो L प्लस R, मतलब क्या मिलेगा, फिर से M मिल जाएगा मुझे। L कितना इस समय, L तो 4 हो चुका है, तो मैं यहाँ लिखता हूँ 4 प्लस R कितना, R तो 9 ही है, उसको हमने चेंज ही नहीं किया, मतलब 13 हो गया। 13 डिवाइडेड बाय 2 कर दो, यही तो फॉर्मूला L प्लस R डिवाइडेड बाय 2, तो कितना मिलेगा 6.5 मिलेगा। तो मान लेते हैं 6 मिला, मैं यहाँ लिख देता हूँ 6। अब m कितना हो गया, m हो चुका है हमारा 6, मैं यहाँ 6 लिखता हूँ। आ गए हम लोग यहाँ पे, m हमारा 6 है, क्या इक्वल है? नहीं है। क्या हमारा लेस है? नहीं, ग्रेटर है, ग्रेटर है ना, ये क्या ग्रेटर, मतलब अब फिर से m को l में रख दो, मतलब m कितना है 6 है, 6 को अगर l में रख दोगे तो यहाँ इससे क्या होगा, 6 में मान लेते हैं l रख दिया ऐसे, तो ये पोर्शन भी चला गया, इसकी भी कोई ज़रूरत नहीं। अब आगे का सिर्फ पोर्शन बचा है, मतलब इतना यहाँ से लेके ये इतना पोर्शन बचा है, ये आ गया, आ गया मान लेते हैं, इसकी भी क्या ज़रूरत है, इसकी भी कोई ज़रूरत नहीं, आ गया यहाँ पे। अब फिर से करो l प्लस r, मैं अगर फिर से यहाँ पे अगर लिखता हूँ l प्लस r कितना होगा, एल कितना हमारा 6 है, 6 प्लस 9 15 होता है, 15 का आधा कितना होता है 7.5, मतलब 7, मतलब हमें मिला 7। अब देखो क्या 7 क्या है, ये m है, मैं यहाँ लिख देता हूँ m इज इक्वल टू 7। फिर से अब प्रोग्राम में क्या होगा, इफ a ऑफ m मतलब a ऑफ 7, ए ऑफ 7 कितना है 81, एल तो हमारा आगे आ गया है ना, तो मैं चाहूँ तो इसे एल कर देता हूँ, ये वाला भी निकल गया, इसकी भी कोई ज़रूरत नहीं। क्या ये जो हमारा, नहीं सॉरी ये तो एम है हमारा, मैं इसे एम ही रखता हूँ, ये हमारा एम है, मैं यहाँ लिख देता हूँ जैसे एम है हमारा 7। क्या एम ए ऑफ एम मतलब ए ऑफ 7 इक्वल है क्या बी के? यस इक्वल है। तो यहाँ पे एक लाइन हम लिख सकते हैं, अगर इक्वल है तो प्रिंट करा दिया जाए, प्रिंट एफ नंबर इज फाउंड, नंबर इज फाउंड एट कौन से पोजीशन पे, एम जितना है उस पोजीशन पे, मतलब 7। तो लिख सकते हो नंबर इज फाउंड एट एम पोजीशन, बस यही प्रोग्राम करना हमें, प्रोग्राम में इम्प्लीमेंट करना है, मतलब ये वाला कोड सिर्फ एक बार लिखना है, हम बार बार नहीं लिखेंगे। जैसे मैं एक बार मार्क करके बता देता हूँ, ये वाला जो कोड है इतना, ये वाला बार बार चलना चाहिए। आइए देखते हैं प्रोग्राम में क्या करना है हमें। तो ये मैंने कोड ब्लॉक्स को ओपन कर दिया है, तो सबसे पहले प्रोग्राम में करना क्या है, मैं एक काम करता हूँ, पहले मेमोरी बना लेता हूँ, 10 ब्लॉक्स बना लेता हूँ मुझे जिसके अंदर नंबर्स को रखना है, ये मैंने बना लिया। ओके, अब क्या करना है,
एक और मेमोरी बना लेता हूँ, जो नंबर मुझे सर्च करवाना है वो बी में रख लेंगे हम लोग, ठीक है। और मेमोरी बना लेते हैं, जैसे इंट लेफ्ट, लेफ्ट नाम की मेमोरी, एल नाम की एक मेमोरी बना लेता हूँ जिसमें मैं कुछ रखूँगा। एक आर नाम की, राइट नाम की बना लेता हूँ, और एक एम नाम की बना लेता हूँ, मिडल। इनकी ज़रूरत शायद हमें आगे पड़ेगी, देखते हैं कहाँ पड़ने वाली है। एल के अंदर रख देता हूँ 0 स्टार्टिंग में, आर के अंदर रख देता हूँ 9। लास्ट वाला ब्लॉक तो वही होने वाला, जैसे देखो ये यहाँ पे मान लेते हैं ये बना हुआ है हमारा ए, इसका नाम ए है मान लेते हैं, मैं यहाँ लिख देता हूँ जैसे ए। ओके, एक ब्लॉक मैंने बनाया हुआ है बी नाम का, ये बी है। एक बनाया हुआ है मैंने एल नाम का, ये एल है, ये आर है, और यहाँ पे लिख देता हूँ ये हमारा एम है। ये तीनों ब्लॉक है और ये हमारा बी है, तो इसका नाम मैं यहाँ पे जैसे दे देता हूँ बी, यहाँ लिख देता हूँ ये बी है। देन ये कौन सा ब्लॉक है, इसका भी नाम दे देता हूँ जैसे ये एल है। उसके बाद ये कौन सा है, ये आर ले लेते हैं, और ये लास्ट वाला एम ले लेता हूँ मैं, ठीक है। एल में मैंने क्या रखा है, एल में मैंने रखा हुआ है 0 रखा है, ठीक है। आर में मैंने क्या रखा हुआ है, आर में मैंने रखा हुआ है मान लेते हैं 9, ये मैंने 9 रखा हुआ है। बस बाकी के ब्लॉक्स खाली हैं, इनमें कुछ नहीं रखा हुआ है। तो ये तो 10 ब्लॉक है, मतलब 1 2 ऐसे बहुत सारे ब्लॉक्स हैं, तो ये मैंने डेटा भी रख दिया है। अच्छा मान लेते हैं मुझे सर्च करना है 98, कौन से पोजीशन पे, बी में रख देता हूँ। यहाँ पे मुझे सर्च करना है 98, तो मैं बी में लिख देता हूँ कि मुझे रखना है, सर्चिंग करनी है 98 की। ओके, ये मैंने बी में रख दिया है, लगे तो ये आगे रखेंगे, अभी तक तो मैंने रखा नहीं है, ठीक है रहने देते हैं। अब आगे मैं प्रोग्राम में लिखता हूँ प्रिंट एफ एंटर 10 नंबर्स, ये मैसेज जब दिखेगा तो यूज़र 10 नंबर्स एंटर करने की कोशिश करेगा। मैं लिख देता हूँ एंटर 10 नंबर्स, उसके बाद क्या होगा, ये मैसेज पढ़ने के बाद यूज़र 10 नंबर्स एंटर करने की कोशिश करेगा, तो मुझे फॉर लूप के अंदर स्कैन एफ 10 एक बार लिखना पड़ेगा, नहीं तो मुझे 10 बार लिखना पड़ता स्कैन एफ। तो उससे अच्छा है फॉर लूप के अंदर हम जिस लाइन्स को लिखते हैं वो लाइन बार बार चलती है, तो मैं 10 बार स्कैन एफ को चला देता हूँ फॉर लूप के अंदर लिख के। तो परसेंट डी, ये लाइन अब बार बार चलेगी, 10 बार चलेगी। मैं यहाँ लिख देता हूँ जो भी यूज़र एंटर करेगा वो रख दिया जाए ए ऑफ आई में, कैसे आइए वो समझते हैं। तो सबसे पहले एंटर 10 नंबर जब मैसेज दिखेगा तो स्टार्टिंग में आई 0 होगा, तो ए ऑफ 0 मतलब क्या, ये 7 रखेगा यूज़र ए ऑफ 0 पे। ए ऑफ 1 पे अगली बार क्या होगा, आई बढ़ के हो जाएगा 1, तो यहाँ पे ए ऑफ 1 माना जाएगा, तो यूज़र रखेगा यहाँ पे। देन उसके बाद 29, देन 45, देन 51, इस तरह से वो आगे डेटा को रखते जाएगा, और जब रख के हो जाएगा लूप के बाहर आते हैं हम लोग यहाँ पे। अब मैं एक मैसेज देता हूँ प्रिंट एफ एंटर अ नंबर दैट यू वांट टू सर्च, एंटर अ नंबर दैट यू वांट टू सर्च, ये मैसेज दे देता हूँ। जैसे ये मैसेज दिखेगा यूज़र क्या करेगा, एक नंबर एंटर करने की कोशिश करेगा जो सर्च करवाना है। तो जैसे अभी मुझे सर्च क्या करवाना था मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को, मुझे सर्च करवाना है 98, वो उस किस में रखा उसने, बी में, तो मुझे यहाँ लिखना पड़ेगा बी में रख दिया जाए, तो यहाँ लिख देता हूँ बी में रख दिया जाए 98। हो गया, ये काम भी हमने करा लिया। अब क्या कराना है, अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे क्या हो जाए, एल कितना है 0 है, 0 प्लस 9 करेंगे तो कितना होगा, 9 होगा, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ जैसे एल प्लस आर कर दिया जाए। एल प्लस आर करने पे जो मिलेगा डिवाइडेड बाय 2 कर दिया जाए, तो एल प्लस आर तो 9 ही होने वाला है, 9 डिवाइडेड बाय 2 होगा कितना होगा 4.5, उसे रख दिया जाए मिडल एम में रख दिया जाए, तो एम में आ चुका है 4। तो अगर मैं यहाँ लिखूँ प्रोग्राम में क्या किया जाए, एल प्लस आर ये दोनों की एडिशन कर दी जाए, उसके बाद इनका जो आंसर आएगा उसे डिवाइड कर दिया जाए 2 के साथ और उसे रख दिया जाए एम में। हमने एल और आर में पहले ही लिख के रखा था 0 प्लस 9 और वह एम में रखवा दिया, हो गया हमारा काम। अब मैं लिखता हूँ इफ़ ए कितना है,
ए ऑफ एम अगर मैं यहाँ लिखूँ, जैसे मैं यहाँ लिखता हूँ ए ऑफ एम, एम में इस समय क्या रखा हमने, एम में हमने इस समय रख दिया 4 है। देखो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, एम में हमने रख दिया है 4। तो ए ऑफ 4, इफ़ ए ऑफ 4 क्या है, ए ऑफ 4 51 है। अगर ये इक्वल है किसके, जो भी बी में रखा है, बी में क्या रखा है 98, उसके है क्या, नहीं है। अगर इक्वल होता है बी के तो बोल दिया जाए नंबर इज फाउंड, प्रिंट एफ नंबर इज फाउंड, ये बोल दिया मैंने। उसके बाद मान लेते हैं ये नहीं हुआ इक्वल, एल्स, एल्स इफ, तीन तरह की कंडीशंस हो सकती हैं। इफ ए ऑफ एम इज ग्रेटर, अगर ए ऑफ एम मतलब अंदर का एलिमेंट ये बड़ा है तो हमें यहाँ आना पड़ेगा लेफ्ट में, और अगर छोटा है तो राइट में जाना है। तो अगर बड़ा है, ए ऑफ एम इज ग्रेटर देन किससे, बी से। ए ऑफ एम अगर बड़ा है बी से तो क्या करना है, राइट में रख दिया जाए, क्या रख दिया जाए, एम प्लस वन, सॉरी एम माइनस वन। कैसे वो समझते हैं, जैसे मैं इसे ओपन करता हूँ। अच्छा राइट में इस समय क्या है, 9 है। अब मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, राइट तो हमारा ये वाला है, यहाँ पे है ये राइट, तो इसमें क्या रख रहा हूँ, एम माइनस वन। एम कितना है हमारे पास, एम है हमारा ये मिडल वाला, ये वाला पोर्शन हमारा एम है। तो अगर ये वाला एम है 4, 4 माइनस वन अगर करूँगा तो कितना मिलेगा मुझे, 3। 3 को रख दिया जाए आर में, मतलब आर छोटा हो जाएगा। लेकिन अगर बड़ा है तो ऐसे करना है, लेकिन अगर लेस है तो क्या करना है, तो हमें करना है एल्स उल्टा करना है। यहाँ लिख देता हूँ लेफ्ट में रख दिया जाए एम प्लस वन, मतलब एम देखिए कितना है, एम 4 है, 4 प्लस 1 5, मतलब सिर्फ इतना ही एरे बचेगा, इतना हट जाएगा, बस हमें इसके आगे की जरूरत थी, बस हो गया प्रोग्राम। लगे तो आप लोग चाहो तो उसके बाद क्या होगा, एरे जो है वो आधा होते होते यहाँ पे आ जाएगा, मतलब इक्वल तो होने ही वाला है, मतलब ये लाइन तो चलने वाली है, ये वाली लाइन जब चलेगी। लेकिन इसके लिए आपको लूप लगाना पड़ेगा, वाइल लूप, मतलब बार बार चलाना है, वाइल वाइल जब तक एल लेस देन इक्वल टू आर है तब तक कुछ लाइंस को चलाते रहो। कौन सी लाइंस को, ये सारी लाइन को मैं वाइल के अंदर लिख देता हूँ, यहाँ तक ये सेक्शन उठाता हूँ और इसके अंदर लिख देता हूँ, यहाँ पे हो गया मेरा काम, मैंने अंदर पेस्ट कर दिया वाइल के अंदर, बस वाइल के अंदर सारी लाइंस को लिख दिया है। अब फिर से ए ऑफ एम इक्वल टू बी होने ही वाला है, बाद में भी हो जाएगा, मान लेते हैं जो भी हमें सर्च करना था 98, यहाँ पे हम लोग पहुँचने ही वाले हैं, मान लेते हैं अगर 98 सर्च करना है यहाँ तो आने ही वाले हैं। तो जब ए ऑफ एम मतलब ये वाला ब्लॉक मिलेगा जब, तो बी भी उतना ही है जब इक्वल है, नंबर इज फाउंड एट परसेंट डी पोजिशन लिख दो यहाँ पे, मैं अगर यहाँ लिख दूँ परसेंट डी पोजिशन, हो गया मेरा काम। और उसके बाद लिख देता हूँ कॉमा, परसेंट डी की जगह क्या दिखना चाहिए, जो भी एम में है एम प्लस वन लिख देते हैं, क्योंकि अगर एम में हमारे ये 8 होगा तो ये पोजीशन तो 9 नंबर वाली है। देखिए यहाँ से अगर गिनना शुरू करोगे आप तो ये 0 से स्टार्ट हो रहा है, तो 8 प्लस 1 करना पड़ेगा, इसके लिए मैंने एम प्लस वन किया है। बस जैसे ही हो जाए ब्रेक करवा दो, नहीं तो लूप के अंदर ही हम लोग रह जाएंगे, ये लूप बार बार चलता रहेगा वाइल वाला। ब्रेक कर देने से हम इस लाइन के नीचे आ जाएंगे, यहाँ पे नीचे आ गए तो इक्वल तो होने वाला है। मैं एक कंडीशन मान लेते हैं, नंबर ही ना मिला तो, अगर नंबर नहीं मिलेगा तो आप लिख सकते हो ना, इफ यदि ए ऑफ, यहां मैं लिखता हूं ए ऑफ एम इज नॉट इक्वल टू किसके, बी के, अगर इक्वल ही नहीं हुआ तो क्या करना है, तब लिख दो नंबर इज नॉट फाउंड। मैं यहां लिख देता हूं नंबर नॉट फाउंड, मैं विद फंक्शन भी बताने वाला हूँ, लेकिन ये प्रोग्राम बहुत बड़ा होने की वजह से मैं उसे लगे तो सेकंड पार्ट में कवर करूँगा, अभी हम लोग सिर्फ प्रोग्राम पे फोकस करते हैं कि करना क्या है। हो गया ये काम भी मैंने करवा दिया है, नॉट फाउंड अगर नॉट इक्वल हुआ तो,
इक्वल होने के बाद तो ये चल नहीं वाला है, ब्रेक होने के बाद ये लाइन नहीं चलेगी। हो गया है प्रोग्राम, यहाँ पे मैंने कोड लिख लिया है। अच्छा एक बार लगे तो कंपाइल करते हैं, देखते हैं क्या होता है। बिल्ड बिल्ड एंड रन। अच्छा एक प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे वो देखते हैं। सेमी कोलन दे देता हूँ, मैंने सेमी कोलन नहीं दिया। ओके अब मैं इसे लगे तो एक बार और रन करता हूँ, बिल्ड एंड रन। तो जैसे ही मैं रन कर रहा हूँ हो गया रन, 1 2 3 4 5, मुझे 10 नंबर सेंटर कराने हैं तो मैं वो करवा लेता हूँ, 6 7 8 9 एंड 10 ले लेते हैं। ओके अब मैं लिख देता हूँ कि मुझे सर्च कराना है, मान लेते हैं 8। तो नंबर इज फाउंड एट 8th पोजीशन, आ चुका है प्रोग्राम में, हो गया हमारा प्रोग्राम। अच्छा एक काम करते हैं, अब लगे तो मैं ऐसा नंबर एंटर करूँगा जो सर्च कराना है वो अलग हो, जो एरे में ना हो। तो ये मैंने 7 8 9 एंड 10 ले लिया। मान लेते हैं मुझे सर्च कराना 55, नंबर नॉट फाउंड, हो गया हमारा प्रोग्राम। इस तरह से आप लोगों को ये प्रोग्राम करना है। लगे तो आप लोग चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, और अगर कुछ भी आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो आप लोग चाहो तो एक बार इसे रिवाइंड करके भी देख सकते हो। ये वाइल वाली जो कंडीशन है सबसे इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हमारा एल 0 रहता है, आर हमारा 9 रहता है, कुछ देर के बाद एल हमारा हो जाता है 4, कुछ देर के बाद ये तो 9 ही रहने वाला, फिर एल हो जाएगा, मतलब एल बढ़ रहा है। जब तक लेस देन इक्वल है तब तक चलता रहे ये, जब दोनों बराबर हो जाए तो नंबर तो मिलने ही वाला है हमें, नंबर इज फाउंड। बराबर होने के बाद भी नहीं मिला तो लूप के बाहर वो आ जाएगा, और नंबर नहीं मिला तो नॉट फाउंड, हो गया है। तो इस तरह से आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ये वाला इतना पोर्शन 21 लाइंस तक, इसके बाद 21 से लेके ये यहाँ तक, बस इतना ही प्रोग्राम है ये। अगर आप लोगों को कोई डाउट है तो आप लोग मुझे कमेंट करके भी पूछ सकते हो। मेरा फ़ोन नंबर, आप इस नंबर पे मुझे कॉल कर सकते हो। ये मेरा फेसबुक का पेज है जिसे आप लोग लाइक कर सकते हो, और आप इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हो। थैंक यू।